हेलो फ्रेंड्स, आज बात करूंगा ओवरथिंकिंग की। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी गिरफ्त में बहुत सारे लोग हैं। मैं इसको सच में एक बीमारी मानता हूं, जबकि एक लेडी या हाउसवाइफ ये कहती हैं कि ओवरथिंकिंग के कारण मुझे नींद नहीं आती, मेरे मन में इतने विचार चलते हैं कि मुझे डिप्रेशन की गोलियां लेनी पड़ती हैं। जब एक स्टूडेंट ये कहता है कि सर, जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ, मेरे मन में विचारों की ऐसी घुड़दौड़ चलती है कि मैं अपने माइंड को फोकस कर ही नहीं पाता हूँ। जब एक बिजनेसमैन या फिर कोई वर्कर कहता है कि जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ, इतने सारे विचार आते हैं कि ना मैं कोई नई आइडिया को सोच पाता हूँ, ना ही अपने माइंड को कहीं एक पॉइंट पर फोकस कर पाता हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ 10 मिनट डेली देकर आप ओवरथिंकिंग की इस बीमारी से निजात पा सकते हैं? और ये ओवरथिंकिंग जो कि आपकी क्रिएटिविटी को, आपके मोटिवेशन को, आपके कॉन्फिडेंस को आपसे चुरा रहा है, नष्ट कर रहा है, उसको आप फिर से वापस पा सकते हैं। और यही इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि ओवरथिंकिंग का नुकसान क्या है। 2005 में थॉट्स के ऊपर जो रिसर्च किया गया था, वो रिसर्च ये कहता है कि एक साधारण इंसान दिन भर में 12,000 से 60,000 विचार सोचता है। इसमें से 80% विचार हमारे नेगेटिव होते हैं। कहने का अर्थ ये कि हमारे 80% एक्सपीरियंसेस भी नेगेटिव होंगे। और दूसरी बात ये, उनमें से 95% विचार रिपीटेटिव होते हैं, वही होते हैं जो कि हम रोज़ सोचते हैं। और इसी के कारण हमारे 95% एक्सपीरियंसेस भी सेम होते हैं। दोस्तों, इसका बहुत बड़ा नुकसान क्या है, इसे भी समझते हैं। कल्पना करिए कि एक क्रच में एक औरत काम करती है और उसे 3 बच्चों की देखभाल करनी है। वो उसका भरण पोषण करती है, उसके खान पान का ध्यान रखती है, साफ सफाई का ख्याल रखती है। लेकिन अगर उसी क्रच में 300 बच्चे आ जाएं तो क्या होगा? वो अकेली औरत किसी का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी, किसी के खाने को मिस कर जाएगी, किसी का दूध मिस हो जाएगा, किसी की सफाई का ख्याल नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके काम की क्वांटिटी बढ़ गई, इसके कारण उसकी क्वालिटी घट गई। वही हमारे माइंड के साथ भी है। हमारे माइंड के पास में लिमिटेड कैपेसिटी है, लिमिटेड बैंडविड्थ है, और अगर इसमें बहुत सारे विचार आएंगे तो इन विचारों की क्वालिटी घट जाएगी। मतलब कि हमारे विचार नेगेटिव हो जाएंगे, और अगर हमारे विचार हमारा विश्व बनाते हैं तो हमारे एक्सपीरियंसेस भी नेगेटिव हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट ये कि हमारे विचार एनर्जी के पैकेट्स हैं जो कि यूनिवर्स में जाते हैं और हमारे रिजल्ट्स को क्रिएट करते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अगर हमारे विचार बहुत ज़्यादा होंगे तो हमारी ऊर्जा अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाएगी और हमें कोई भी निश्चित गोल मिलेगा नहीं। कहने का अर्थ ये कि अगर हम किसी खास गोल को चाहते हैं तो हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि मेंटल एक्सरसाइज हमें ज़्यादा परेशान करता है। मानो कि कोई बच्चा अगर 6 घंटे धूप में खेल रहा है और शाम में उसे बोलो कि चलो बाहर घूमने चलते हैं तो तुरंत तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑफिसर या कोई बाबू अगर ऑफिस से फाइल वर्क करके आते हैं और आप उन्हें बोलो कि कोई काम करना है तो आप ये देखोगे कि उनके काम में थकान साफ नज़र आएगी। एक रिसर्च तो ये भी कहता है कि 6 घंटे जितनी ऊर्जा एक मजदूर खेत में काम करके नष्ट करता है, उतनी ही ऊर्जा ओवरथिंकिंग के कारण सिर्फ 2 घंटे में नष्ट होती है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब हम समझते हैं कि किस तरह से हम ओवरथिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, ऑब्जर्व योर थॉट्स। दोस्तों, आप एक एग्जाम्पल से समझो। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो किताब में बहुत सारे फूल बना रहा है, तितली का चित्र बना रहा है, सिर्फ टाइम पास कर रहा है, अचानक उसे पता चले कि उसकी मम्मी उसे देख रही है या उसका टीचर उसको देखने लगा है, तो क्या होगा? वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। ये पावर है ऑब्जर्वेशन की। मैं अपने स्कूल डेज में कभी कभी सुबह 4 बजे या 5 बजे उठता था और उठकर पढ़ाई करता था। उसी समय मेरे पिताजी वॉशरूम के लिए उठते थे। जब भी मुझे उनकी आहट आती थी, मुझे पता रहता था कि वो झांक कर ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मेरे कमरे की लाइट जल रही है। तो मैं इतने फोकस से पढ़ाई करता था जैसे कि मैं आइंस्टीन का फूफा हूँ। और यही पावर है ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन में वो ताकत है जो कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। इसी बात को क्वांटम साइंस ने और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने भी प्रूव किया है कि निर्जीव चीज़ भी, इवन इलेक्ट्रॉन, अगर उसको भी हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी को बदल देता है। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप अपने विचारों को जानना शुरू करें, सिर्फ देखना शुरू करें, तो आपके विचार ना सिर्फ कम होंगे बल्कि बहुत ही जल्दी पॉजिटिव हो जाएंगे। और यही तो सारे मेडिटेशन का, विपासना का, अनापानसति का बेस है।
कहने का अर्थ ये कि आप चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने विचारों को लिख सकते हैं, आप अपने विचारों को किसी पार्क में बैठकर सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, और ये छोटा एक्सरसाइज ही आपको मैजिकल रिजल्ट देने वाला है। नंबर टू, सरेंडर टू अ हायर पावर। दोस्तों, अहंकार इसकी एक ही मूवमेंट है, वो है कि विचार क्रिएट करना। और अहंकार के कारण हमें ऐसा लगता है कि हम सारी परिस्थितियों को, जीवन के सारे चैलेंजेस को खुद ही सॉल्व करते हैं, और इसी के कारण हमारे मन में बस विचार आए जाते हैं। दोस्तों, रिलीजन चाहे कोई भी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जुदाइज्म, कुछ भी हो, इन सब में हमें एक बात सिखाई गई है कि एक बड़े पावर को, एक हायर पावर को आप सरेंडर करिए, और जब आप उससे जुड़ते हैं तो ना चाहते हुए भी आपकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगती हैं। उदाहरण के लिए, कैकुले जब बेंजीन के रिंग को, उसका स्ट्रक्चर ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते ढूंढते थक गए, उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। लेकिन एक दिन उन्होंने हायर पावर को, अपने से बड़े पावर को सरेंडर कर दिया, और उसी रात उन्हें एक ड्रीम आया कि एक सांप अपनी पूंछ को काट रहा है, और यहीं से उन्होंने बेंजीन रिंग की रचना कर दी। ये पावर है। इसी बात को निकोला टेस्ला कहते थे कि तुम्हारा माइंड छोटा यूनिट है, ट्रांसमीटर है, जो इसका सेंटर है वो है यूनिवर्स। दोस्तों, और आप यूनिवर्सल पावर को कैसे हार्नेस कर सकते हैं, कैसे आप अपने ईगो को ड्रॉप कर सकते हैं, इसका तरीका है मेडिटेशन, नंबर वन, जो कि आप जानते हैं। दूसरा तरीका है प्रेयर। आप प्रार्थना करें कि सब जीव का कल्याण हो, हे प्रभु, जो तेरी रजा है सिर्फ उसी में मुझे मजा है, मैं तुम्हारे साथ बहने को तैयार हूँ। आप एफर्मेशंस भी कर सकते हैं कि आई एम रेडी टू फ्लो विथ लाइफ, वॉट एवर लाइफ ब्रिंग्स टू मी आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, जो भी परमेश्वर की आज्ञा है वो मुझे स्वीकार है, मैं कौन होता हूँ आपकी बातों से आर्ग्यू करने वाला। इस तरह की कोई भी प्रेयर आप अपने मन में करें, या फिर मेडिटेशन करें, या आप एफर्मेशंस करें, इसका प्रभाव ये होगा कि आपका अहंकार धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि कोई शक्ति है जो कि मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरी सहायता कर रही है, मुझे ताकत दे रही है, और इसके साथ ही आपके विचार जो कि एंग्जाइटी से आते हैं, स्ट्रेस के कारण आते हैं, वो अपने आप खत्म होने लगेंगे। और नंबर थ्री है मैनेज योर इमोशंस। दोस्तों, इमोशंस का मतलब होता है भावनाएं। अब आप कहेंगे कि इमोशंस का भैया हमारे थॉट से क्या कनेक्शन है, तो चलिए मैं अभी समझाता हूँ। दोस्तों, इमोशंस दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं फियर बेस्ड इमोशन, वो इमोशंस जो कि डर के कारण पैदा लेते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इसी तरह की। और दूसरी होती हैं लव बेस्ड, जो कि प्रेम से ओरिजिनेट करती हैं। अब हम फियर बेस्ड इमोशंस को समझते हैं। समझो कि आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हो और आपका नाम है राम। आपका बॉस आपको कहता है कि राम, ऑफिस के बाद 5 मिनट मेरे से मिल के जाना। आपके साथ क्या होगा? आप बार बार सोचने लगोगे, फिर से कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने, अब मैं क्या जवाब दूंगा, कहीं बॉस ने मुझे फायर कर दिया तो, कहीं कुछ गलत हो गया तो, तमाम तरह के विचार आपके मन में आने लगते हैं। उसी तरह से मान लो कि अगर आपका ATM कार्ड चोरी हो गया, तो मन में कितने विचार आते हैं, पता नहीं किसी ने पैसे निकाल लिए तो, पता नहीं इसका मिसयूज हो गया तो, मैं कैसे पुलिस को रिपोर्ट करूंगा, कैसे मैं नए कार्ड को बनवाऊंगा। ये सारी चीज़ें फियर से ओरिजिनेट होती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने फियर को मैनेज करना सीख जाएं, इस नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करना सीख जाएं, तो इसके कारण जो अननेसेसरी ओवरथिंकिंग हमारे माइंड में चल रही है वो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, पॉजिटिव इमोशंस क्या हैं, वो है प्रेम, वो है ग्रेटिट्यूड की भावना, वो है कॉम्पैशन, दया की भावना। और जब भी आप लव बेस्ड इमोशन में अपने हार्ट को सेंटर करेंगे, आप ऑटोमेटिकली ये पाएंगे कि आपके थॉट्स कम हो गए हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं, या जब आप अपने फेवरेट एक्टिविटी को कर रहे हैं, उदाहरण के लिए गिटार बजाना हो सकता है या क्रिकेट खेलना हो सकता है, आपने महसूस किया होगा कि आपके विचार ऑटोमेटिकली कम आते हैं। एक रिसर्च ये कहता है कि सिर्फ 10-20% विचार तब आते हैं जबकि हम अपने पॉजिटिव इमोशंस में एंकर्ड रहते हैं, सेंटर्ड रहते हैं। नटशेल में मैसेज यही है कि आप इमोशनल IQ को बढ़ाने की प्रैक्टिस करें। इसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। उसके अलावा आप पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाने के लिए अपने पैशन को ढूंढें, वो एक्टिविटीज़ जो कि आपको आनंद देती हैं, और उसके लिए समय ढूंढें।
ये गाना गाना हो सकता है, ये म्यूज़िक सुनना हो सकता है, ये पेंटिंग हो सकता है, ये दौड़ लगाना हो सकता है, ये स्विमिंग हो सकता है। दोस्तों आप कहेंगे लाइफ बहुत बिजी है, अगर आप ज़िंदगी के लिए अपने पैशन के लिए टाइम नहीं ढूंढ सकते हैं तो आपका लाइफ आपको बीमार कर देगा और फिर आप अपने पैशन से कनेक्ट होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू दूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें, और अगर आप मेरे साथ रेगुलरली बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ इंस्टाग्राम आईडी पर भी ज़रूर जुड़िए। थैंक यू।